बहन तुई कहानी, दयालु बापू री कहानी। एक रोज यीशु तिन्हां बोहू बै शिक्षा देंदा लागा ती जो तेरी शुणनै री तैंईंयैं कठै हुऐ ती। ऐ लोका चुंगी लेणु आल़ै होर सैंघै दुजै लोका भी ती ज़ुणियै मूसा रा बिधान मनणै री कोशिश नैंई केरी ती। किछ़ धार्मिक अगुवै हेरू कि यीशु इन्हां लोका सैंघै एक सैंघी सांही गैला केरदा लागा ती। तैबै यीशुऐ ते गैला केरदै शुणै। तैबै तेइयै तिन्हां बै ऐ कहाणी दसी। एक मांहणु ती ज़ुणिरै दुई बेटै ती। होछ़ै बेटै आपणै बापू बै बोलू, ओ बापू, मुँभै मेरा हिस्सा लोड़ी। तैबै बापूऐ आपणै दुई बेटै रै बिच्चा न आपणी धन दौलता रा बंटवारा केरू। छेकै होछ़ा बेटा आपणा सैभ किछ़ कठा केरिया दूर देशा बै नौठा होर पापी ज़िन्दगी जीणै री तैंईंयैं आपणा सारा धन बर्बाद केरू। एथा न बाद ज़ौखै होछ़ा बेटा ती तेई देशा न एक भयंकर अकाल पौऊ होर तेई आगै खाणै लेणै री तैंईंयैं ढैबुऐ नी ती आथी। तैबै तेइयै ज़ो कोम मिलू सौ सूंगरा बै चारनै रा ती। सौ इतरा दुखी होर भूखा ती कि सौ सूंगरा रा चारा खाँणा चाहा ती। आखिरकार तेई होछ़ै बेटै आपु न बोलू, हांऊँ कि केनु, मेरै बापू रै सैभ नोकरा आगै खाँणै बै बोहू सा, फिरी भी हांऊँ औखै भूखा मौरदा लागा सा। मूँ आपणै बापू आगै वापस जाँणा होर आपणै बापू रा एक नोकर बणनै री तक तेईन अर्ज केरनी। तैबै तेई होछ़ै बेटै आपणै घौरा धिरै जाँणा शुरू केरू। ज़ैबै कि सौ हाज़ी दूरै ती, तेरै बापूऐ हेरू होर तेई पैंधै तरस खाऊ। सौ दौड़िया आपणै बेटै आगै नौठा होर तेइबै गौल़ै लाइया मांकी धिनी। तेई बेटै बोलू, ओ बापू जी, मैं परमेश्वर होर तेरै खिलाफ पाप केरू सा। हांऊँ तेरा बेटा कहलाणै रै लायक नी आथि। पर बापूऐ आपणै एक दासा सैंघै बोलू, छेकै जाइया सैभी न शोभलै टौलै लेइया आणा होर मेरै बेटै बै लात, तेरी गुठी न मुन्दरी होर तेरी जोंघा न बूट लात। तैबै सैभी न शोभला बकरा मारा ताकि आसै खालै होर धाम मनालै। किबैकि मेरा बेटा मूँआ ती पर ऐबै सौ जिंदा सा, सौ रहुआ ती पर ऐबै आसाबै मिलू सा। तैबै लोकै धाम मनाणी शुरू केरी। किछ़ रोज़ा बाद बड़ा बेटा छेता न कौम केरिया आऊ। तेइयै नौचणै होर गाणै री आवाज़ शुणी होर हैरान हुआ कि ऐ की होंदा लागा सा। ज़ैबै बड़े बेटै बै पता लागा कि तैबै धाम मनांदै लागै ती किबैकि तेरा भाई घौरा आऊ ती, ता सौ झिकुआ होर घौरा नी आऊ। तेरै बापूऐ बाहरै एजिया तेइबै तिन्हां सैंघै धाम मनाणै री अर्ज़ केरी पर तेइयै नाँ केरू। तेई बड़े बेटै आपणै बापू सैंघै बोलू, एतरै वर्षा न मैं तेरी तैंईं इमानदारी सैंघै कौम केरू, कैदी तेरी गल नी टाली, पर तैं कैदी मुँभै एक होछ़ा गौभू भी नहीं धिना ताकि हांऊँ आपणै सैंघी सैंघै धाम केरदा। पर तेरै ऐई बेटै तेरा धन पापा रै कोमा न बर्बाद केरू होर ऐबै ज़ैबै सौ आऊ ती ता तेरी तैंईयैं धाम मनाणै री तैंईयैं सैभी न शुभला बौकरा काटू। बापूऐ जवाब दिना, ओ मेरै बेटिया, तू हमेशा मूँ सैंघै सा होर जो किछ़ मेरा सा सौ सैभ तेरा सा। पर आसा री तैंईयैं धाम मनाणा सही सा किबैकि तेरा भाई मूँआ ती पर ऐबै सौ जिंदा सा, सौ रहुआ ती पर ऐबै सौ आसाबै मिलू सा।